Hey, welcome back to Time Gujarat's official YouTube channel. I'm Bhavik Thakkar, your coach and mentor for CAT and other MBA entrances. Well, in this particular video, we have come up with allegation and mixture, which is nothing but the part of average. So in case you haven't watched our videos, I'm giving you the I button for the whole playlist. Just go to that I button, watch the whole videos on average, because it will make it easier to understand the concepts based on allegation and mixture. ज द ट्रिक आई मीन हाँ अगर आपको लगता है कि भी एवरेज तो में आता है यू कैन जस्ट आ सकते ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है अगर एवरेज बेसिक ही कॉन्सेप्ट है अगर आप कॉन्फिडेंट हो यू कैन डिरेक्टली वॉच दिस वीडियो एज वेल ठीक है सो वॉट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इट इन दिस वीडियो थोड़ा समझ लेते हैं भाई देखिए इस वीडियो में हम समझेंगे एलिगेशन मिक्सचर एक्चुअली है क्या जैसे मैंने बोला ना यह कोई नया सा टॉपिक नहीं है यह एवरेज का ही एक पार्ट है फाइन कोई नया सा कॉन्सेप्ट नहीं है कोई भी नई इसमें चीज़ें सीखनी नहीं है आई I मीन mean, कोई नया जैसे परसेंटेज एक नया टॉपिक हो सकता है टाइम एंड डिस्टेंस नया टॉपिक हो सकता है कोई नया टॉपिक नहीं एक्चुअली एवरेज का ही एक पार्ट है है ना ये जस्ट एक शॉर्टकट है पर्टिकुलर टाइप के जो एवरेज के क्वेश्चन रहते हैं ना उसमें ये शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं तो पहले तो हमें क्या समझना है इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे विच इज़ एग्जैक्टली द सीनारियो वेर वी कैन यूज इट तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सीनारियो समझना क्योंकि जब आप सीनारियो समझेंगे नेक्स्ट इज जब आप उसका मेकेनिज्म समझेंगे यानी कि क्यों ये शॉर्टकट काम करता है और एग्जैक्टली exactly कब काम करता है सो वेन यू अंडरस्टैंड द थर लॉजिक बिहाइंड दिस यू कैन एक्चुअली आंसर एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन एंड मिक्सचर तो आप ऐसा मत करें यू you नो know, जहां पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं अच्छा ऐसे क्वेश्चन में ये इस तरह यूज करना है ऐसे क्वेश्चन में इस तरह ऐसे नहीं आपको उसको हार्ड से समझना है ठीक है जब आप वो कॉन्सेप्ट के सीनारियो को समझेंगे कि अच्छा ये, में ये देखी नहीं है नया सा क्वेश्चन है बट इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस शॉर्टकट अदरवाइज बाकी स्टूडेंट्स का क्या हो जाएगा जैसे नया क्वेश्चन आएगा वापस विल फॉल बैक टू द ट्रेडिशनल मैथड ऑफ इक्वेशन तो वो हमें नहीं करना है तो उसी के ऊपर पहले वर्क करेंगे ठीक है और फिर हम ये भी समझेंगे कि एग्जैक्टली exactly किस तरह सीनारियो भी देख लिया मेकेनिज्म भी देख लिया अब ये शॉर्टकट एग्जैक्टली exactly किस तरह वर्क करना है ये हम देखेंगे और ऑफ कोर्स उसके बाद हम देखेंगे रियल कैट प्रॉब्लम सॉल्विंग तो देखिए लास्ट अगर मैं आपको बात करूं पांच साल की तो आपको थर्टी क्वेश्चन में दिखा सकता हूं विच आर बेस्ड ऑन एवरेज एंड एलिगेशन मिक्सचर दैट मीन्स आप देख लीजिए अराउंड दस पेपर में थर्टी क्वेश्चन तो हर साल ऑन एन एवरेज तीन क्वेश्चन आ रहे हैं

तो आपका टाइम भी बच जाएगा दूसरे क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं है ना चलिए तो ये देख लेते हैं कि देखिए भाई जो रियल कैट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं उसमें भी हमने ये देखा कि तीन टाइप के लेवल में डिवाइड किए हैं जो पूछे गए पास क्वेश्चन पेपर में इजी लेवल ये सिर्फ एलिगेशन मेथड के मिक्सचर की मैं बात कर रहा हूं एवरेज वाले क्वेश्चन तो अलग है है ना तो सिर्फ एलिगेशन मिक्सचर के जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो इतने क्वेश्चन हम तीन अलग अलग वीडियोज में पहले तो देखेंगे तो इजी लेवल के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि मैं इस वीडियो में कवर करूंगा मॉडरेट लेवल वाले के लिए एक दूसरा वीडियो रहेगा डिफिकल्ट लेवल के लिए एक तीसरा वीडियो रहेगा ठीक है तो इस वीडियो में तो हम बात करने वाले हैं भाई इजी लेवल के क्वेश्चंस की और ये क्वेश्चंस भी मैं आपको बताता हूं कि वो एक्चुअली है कौन से भाई आप पोस्ट कर सकते हो और ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो ना स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कीजिए देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है कैट 2020 स्लॉट वन सेकेंड क्वेश्चन है कैट टू थाउजेंड सेवेंटीन टू ठीक है कर लीजिए या तो फिर आप इसको स्क्रीनशॉट uh, ले लीजिए फाइन यहां पे देखिए कैट कैट का भी एक क्वेश्चन था से मिला ठीक है यहां पे 2019 स्लॉट वापस वापस जैसे मैं बोल रहा हूं, पहले आप देखिए खुद करके देखिए तो आपको पता चलेगा देखिए वैसे इजी है होपफुली आपसे बनने चाहिए लेकिन फिर भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ट्राई कर लीजिए सो देट क्या होता है कि पहले जब आप सोचते हो ना आपका माइंड ओपन हो जाता है देखिए ये वाला भी कैट टू थाउजेंड नाइन स्लॉट टू है ना आपके माइंड को काफी कुछ सीखने को मिलेगा तो प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन फर्स्ट क्योंकि जब आप खुद पहले करते हो ना ट्राई करते हो तो आप, आपका माइंड ओपन होता है आप सोचने पर आप सोचते हो ना तो फिर इजिली सीखते हो ठीक है कैट ट्वेंटी ट्वेंटी वन स्लोट थ्री का ये क्वेश्चन ठीक है और ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक है इस वीडियो का कैट ट्वेंटी ट्वेंटी वन स्लोट वन का ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो तो इतने क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं ठीक है फाइन So, तो exactly सी <coughs> एवरेज सीख लेते हैं वैसे तो मैंने आपको बोला आई बटन पे जाके पूरा देख लीजिए पर काफी स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि एवरेज तो ठीक है इजी है हमें आता है तो कोई बात नहीं आपको आता भी होगा कोई दिक्कत नहीं है पर एक बार थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं ना कि एलिगेशन मिक्सचर में कोई दिक्कत ना हो फाइन

इट्स द सेम थिंग, राइट? पर स्टूडेंट स्टूडेंट कंबाइंड, बिकॉज़ में दोनों आ जाते हैं तीनों में से कुछ भी पूछ लेना ना एक ही चीज होती है ठीक है तीनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि भी पूरे क्लास बॉयज गर्ल्स मिला दीजिए एंड वॉट इज गोइंग टू बी द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स और कंबाइंड एवरेज वेट क्या होगा देखिए इसको कैसे करते हैं आप में से काफी लोग बोलेंगे सर इट्स तो बॉइज का टोटल वेट आ गया प्लस फोर्टी फोर मल्टीप्लाइड बाई थर्टी थ्री गर्ल्स का टोटल वेट आ गया डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स फोर्टी फोर प्लस थर्टी थ्री सेवेंटी सेवन तो आपको लगेगा सर ये तो सिंपल है लेकिन मोस्ट ऑफ़ द एग्जाम्स कैट की बात छोड़ दीजिए बाकी एग्जाम में वैसे तो कैलकुलेटर अलाउड होते नहीं और अगर कैट की भी बात करें सो इट टेक्स टाइम आपको पता होगा कि आपको माउस से करना पड़ता है ना कीबोर्ड से आपका वो कैलकुलेटर ऑपरेट नहीं होता है ना तो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है खुद का कैलकुलेटर आप लेके जा नहीं सकते और वहां पे माउस से क्लिक करने हैं तो बहुत टाइम लगता है तो थोड़े बहुत शॉर्टकट की यहां पे भी हम अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं एवरेज के ऊपर भी ठीक है लुक वॉट यू कैन डू इज ऑफकोर्स दिस इज राइट जो आपने बोला कि सर हम करेंगे फिफ्टी एट इंटू फोर्टी फोर आप खुद देखिए ना कितना टाइम लगेगा है ना दो दो डिजिट का एक मल्टीप्लीकेशन बोइ का टोटल वेट आ गया कोई बात नहीं है प्लस आपने बोल दिया भाई थर्टी थ्री इंटू फोर्टी फोर ठीक है भाई गर्ल्स का टोटल वेट भी आ गया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक और बड़ा कैलकुलेशन और लास्ट में जो भी नंबर आता है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कि 44 फोर प्लस थर्टी थ्री डेट इज सेवेंटी ठीक है अब बोलना तो इजी है कि सर इतना ही तो है पर अब कर लीजिए 77 का टेबल आता है ना लास्ट में काटना भी तो पड़ेगा है ना सो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम ऑफ कोर्स शॉर्टकट क्या हो सकता है देखिए शॉर्टकट बहुत सिंपल था अगर आपने मेरे एवरेज के वीडियो देखे नहीं देखे तो वापस में तो बोलता हूँ आई बटन देख के देख डालिए लेकिन मैंने आपको समझा होगा कि जिसकी एवरेज ढूंढनी है उसकी तो वैल्यू इंपॉर्टेंट है लेकिन दूसरे का यानी जो आपका वेटेज है इसको वेटेज बोलते हैं ना इसकी तो एवरेज ढूंढनी है दोनों की कंबाइंड एवरेज उस दोनों का वेटेज ये अलग अलग है फोर्टी फोर एंड थर्टी थ्री और वेटेज का सिर्फ रेशियो इंपॉर्टेंट है दैट मीन्स आप एक्चुअली इलेवन फोर जा एंड इलेवन थ्री जा कर सकते थे अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है फिफ्टी एट इंटू फोर प्लस फोर्टी फोर इंटू थ्री डिवाइड बाई सेवन अच्छा एक दूसरे तरीके भी से भी समझाता हूँ कि ऐसा क्यों है आप यहाँ पे देखिए ना ये भी आप देखिए आप तो ये पूरा कैलकुलेशन करते हो पर सही में बताऊं तो करने की जरूरत नहीं है क्यों देखिए आप एक ऐसी चीज तो सोच सकते हो कि दोनों में इलेवन कॉमन है है ना तो अगर आप समझे तो यहाँ पे इलेवन फोर जा ये क्या हो जाएगा इलेवन थ्री जा इलेवन सेवन जा तो ऊपर इलेवन कॉमन आया वो नीचे इलेवन कट गया तो आ क्या गया 58 एट इंटू फोर प्लस फोर्टी फोर इंटू डिवाइड बाई सेवन है ना तो पहला शॉर्टकट तो ये था कि जब भी ये बॉयज गर्ल्स यानी जो आपका वेटेज है उसका सिर्फ रेशियो इंपॉर्टेंट है वापस जिसकी एवरेज ढूंढनी है ना यहाँ पे मत कर देना कि अच्छा दो दो से दोनों कट जाते 29 ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी शॉर्टकट के चक्कर में थोड़ा समझना लॉजिकली समझना है ना उसकी तो एवरेज ढूंढनी है कंबाइंड एवरेज ये दोनों एवरेज है तो उसकी तो वैल्यू मैटर करती है पर जो दूसरी चीज़ है वेटेज उसका सिर्फ रेशियो मैटर करता है फेर इनफ आई थिंक नाउ वी आर गेटिंग इट ठीक है अच्छा दूसरी चीज़ अभी भी देखिए अभी चलिए यहाँ पे तो फोर थ्री छोटे छोटे नंबर आ गए शायद आप इजीली कर लोगे इतनी दिक्कत नहीं है पर हो सकता है कि इसी में या तो कटता ही नहीं हो कुछ कॉमन ना हो या अगर कट भी जाता हो तो शायद बहुत बड़े बड़े नंबर हो अभी भी मान लो बच रहा हो फोर्टीन एंड ट्वेंटी फिर क्या करेंगे फिर भी तो लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएंगे तो उसके लिए एक और शॉर्टकट देखिए शॉर्टकट क्या है दूसरा हम ये समझते हैं कि यार एक काम करते हैं ना इसके बीच की कोई एवरेज अज्यूम्ड एवरेज मान लेते भाई फिफ्टी एट फोर्टी फोर में फिफ्टी मान लेते है ना राउंड फिगर चलिए अगर फिफ्टी इसकी एवरेज है अब देखिए एवरेज किसको बोलते हैं एवरेज वो होती है जिससे आपके डेविएशन ऑब्जर्वेशन के डेवियशन जीरो हो इसका क्या मतलब है जैसे सचिन की अगर एवरेज 50 है तो एक बार उसने 40 रन बनाए होंगे तो एक बार सिक्सटी भी बनाए होंगे आर यू गेटिंग दिस एक बार दस कम है तो एक बार दस ज्यादा भी है है ना तो ही तो एवरेज फोर्टी तो से डेविएशन जितने कम वाले होंगे उतने ही ज्यादा वाले मिलेंगे यस और नो है है ना अब ये एवरेज हो सकता है ना हो पर चेक तो कर लेते हैं अगर हम फिफ्टी एवरेज मान लेते हैं तो फिफ्टी की जगह तो आठ ज्यादा है ऐसा कितनी बार है चार बार तो आप थर्टी टू प्लस में चल रहे हो अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ छोटा सा नंबर हो गया आपको फिफ्टी एट इंटू फोर नहीं करना पड़ा आपको सिर्फ फिफ्टी और फिफ्टी का डिफरेंस आठ इंटू फोर करना पड़ा तो अगर ये नंबर्स बड़े भी होते ना तो ये शॉर्टकट बहुत बढ़िया था तो हर एक चीज़ आपको लॉजिकली समझनी है भाई ये चीज़ पे ही तो हम काम कर रहे हैं है ना तो यहाँ पे आप देखिए थर्टी टू प्लस में हम चल रहे हैं बॉयज़ को अगर देखें तो क्योंकि एवरेज हमने जो फिफ्टी मानी थी उससे आठ ज़्यादा है ऐसे चार बॉयज थर्टी टू प्लस चल रहे लेकिन गर्ल्स फिफ्टी की जगह फोर्टी फोर सिक्स कम और ऐसी तीन गर्ल्स सो सिक्स एटीन माइनस एटीन पे चल रहे हैं तो अगर हम देखें तो दोनों मिला के क्या कर रहे हैं प्लस थर्टी टू माइनस एटीन मिला के देखें तो हम प्लस फोर्टीन अभी भी है यानी अभी भी डेविएशंस है यानी कि वो 50 हमारी रियल एवरेज नहीं है तो रियल एवरेज क्या है जो ये डेविएशन है ना ये तो टोटल डेविएशन है ये टोटल तो सात लोग हैं हमारे तो सात से डिवाइड कर दीजिए तो 50 प्लस फोटीन बाई सेवन दैट इज़ टू फिफ्टी टू आपकी एवरेजेज है ऑफ कोर्स आपने ऐसे भी किया होता तो 52 ही आता एवरेज वेट है सॉरी एवरेज एज तो नहीं है सॉरी अबाउट दैट बट आर यू गेटिंग दिस है ना एवरीबडी फाइन विद दिस है ना तो ये छोटी छोटी चीजों से हम लॉजिकल शॉर्टकट सीखेंगे और यही तो टाइम की भी स्पेशलिटी है है ना फाइन सो वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू मेक यू क्रैम एनी है ना कुछ रट्टा नहीं मारना सब चीजें लॉजिक से समझेंगे और हर एक चीजें यू करेंगे ठीक है तो चलिए अब हम देखते हैं कि भाई ये सीनारियो क्या है जहां पे एलिगेशन मिक्सचर यूज होता है अभी तो ये 52 आ गया है ना चाहे आपने पूरा कैलकुलेशन किया हो चाहे फोर थ्री किया हो चाहे ये डेविएशन से कर लिया हो और देखिए 52 अगर आपने माना होता लक बाय चांस कि चलो इन बिटवीन में फिफ्टी मान लेता हूँ तो क्या हुआ होता देखिए तो आप बोलते फिफ्टी टू तो है ही है अब डेविएसन छः ज्यादा ऐसा चार बार तो माइनस ट्वेंटी 52 की जगह फोर्टी फोर एट कम ऐसा तीन बार तो सॉरी वहां पे क्या था 52 की जगह 58 6 ज्यादा ऐसा चार बार तो प्लस 24 और 52 की जगह 44 8 कम ऐसा तीन बार तो माइनस ट्वेंटी डेविएशन कुछ है ही नहीं जब डेविएशन कुछ है नहीं तो ये आपकी एवरेज है है ना तो इनके साथ आपने 52 ही मान लिया होता तो एक्चुअली आपका आंसर सीधे सीधा आ जाता क्योंकि डेविएशन जीरो होता सो यू वुडेंट नीड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग लेकिन इनकेस डेविएशन आते हैं तो ये टोटल डेविएशन है उसको आप डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लीजिए जो यहाँ पे साथ हो चुके हैं तो आपका आंसर आ जाएगा फेयर इनफ है ना बाकी देखिए डिटेल में तो मैंने एवरेज में समझाया लेकिन मैंने सोचा यहाँ पे एटलीस्ट आपको एक पूरा एक प्लेटफॉर्म दे देता हूँ कि आगे जाके ये दिक्कत ना हो ठीक है तो अब देखिए ये तो आपका आंसर आ गया ऑफकोर्स फिफ्टी टू के जी है ना ये तो एवरेज का क्वेश्चन हो गया कि जब ये चीज दी थी आपने एवरेज निकालनी थी 52 आ गया अब देखिए ये क्या है भाई एलिगेशन मिक्सचर क्या है कौन से सीनारियो में यूज होता है वो ये सिनारियो होता है जब ये फिफ्टी दे दिया है बॉयज गर्ल्स का रेशियो ही नहीं दिया यानी आपको तीन एवरेज दिए समझ फिफ्टी एट केजी बॉयज़ की एवरेज वेट गर्ल्स का एवरेज वेट 44 फोर के जी एंड कंबाइन एवरेज वेट भी दिया है 52 टू के जी और आपको उस दोनों का रेशियो ढूंढना है अब ये रेशियो किसका ढूंढना है वापस 58 एट के जी पर बॉय फोर्टी फोर के जी पर गर्ल तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का पर के बाद जो आता है ना भाई एवरेज में उसका रेशियो ढूंढते हैं तो वो कैसे ढूंढ सकते हैं तो वो जब सिनारियो होता है तब हम एलिगेशन मिक्सचर यूज कर सकते हैं वापस एवरेज से एग्जैक्टली उल्टा हो गया है ना एवरेज में क्या था भाई ये हमें दिया था है ना फोर्टी फोर बॉयज़ थर्टी थ्री गर्ल्स ये तो दिया था बोला था एवरेज क्या है ये नहीं दिया था अब क्या है वो दो नहीं दिया है आपको बोला है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है ये आपको दे दिया है गेटिंग द थिंग्स जब तीन एवरेज दिए और उस दो चीज का रेशियो किस रेशियो में उसको मिलाया है 44 और 58 को किस रेशियो में मिलाया कि भाई एवरेज 52 बना है आर यू गेटिंग दिस नाउ ठीक है फाइन चलिए समझते हैं ठीक है चलिए समझते हैं इसको कैसे करते हैं तो दूसरी चीज हम मेकेनिज्म बताएंगे भाई आपको सीधे सीधा कुछ रट्टा नहीं मरवाना कि ऐसे कर लेना कुछ भी नहीं ठीक है पूरा मेकेज्म बताता हूँ देखिए मेकेनिज्म है क्या नॉर्मल चीज़ तरीके से समझते हैं एक चीज तो हम ये भी कर सकते हैं कि बॉयज़ मान लेते हैं, वाई है ठीक है, है? So बॉयज़ का टोटल वेट क्या हो गया फोर्टी फोर वाई ओके तो टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स यानी कि एक्स प्लस वाई और ये क्या आ जाता है भाई फाइनल एवरेज वेट जो दिया है फिफ्टी टू है ना इक्वेशन से भी हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं अपने आप आपको शॉर्टकट समझ में आएगा ठीक तो है चलिए पे। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे तो तो उधर चला गया अब क्या करते हैं ये इधर आएगा फिफ्टी एट एक्स माइनस फिफ्टी टू एक्स इज सिक्स एक्स इज इक्वल टू फोर्टी फोर वाई उधर चला जाता है एट वाई है ना तो किया क्या x और y का रेशियो मिल गया y इधर गया सिक्स उधर गया एट बाई का मतलब रेशियो ही होता है ना इसका मतलब हुआ x और y का रेशियो एट और सिक्स है है ना ये एट इस है फोर इंस टू थ्री भी बोल सकते हैं दो से कॉमन काट सकते हैं है ना वही तो था ना फोर्टी फोर थर्टी थ्री है ना सो फोर इंस टू थ्री का रेशियो आपको मिल गया आर यू गेटिंग दिस है ना तो ये तो लेकिन लंबा हो जाएगा ना आप इक्वेशन बनाओगे ढूंढोगे तो बेसिकली आप अगर यहां पे समझे कि हुआ क्या देखिए अगर आप ये समझे दो एक्स का जो डिफरेंस था फिफ्टी टू फिफ्टी एट का डिफरेंस जो छ था वो वाई में चला गया है ना और दो वाई का जो डिफरेंस था आठ था वो एक्स को मिल गया हाया ना तो उल्टा ही तो हुआ है तो इसी तरह से वो एलिगेशन मिक्सर का शॉर्टकट वर्क करता है मेकेजम यही है भाई और कुछ भी नहीं है अच्छा आपको और एक लॉजिक से भी बता सकता हूँ ये कंसेप्चुअली पूरा मैंने एक्स वाइज से बताया ठीक है एक काम करते हैं पूरा हम ये इरेज कर लेते हैं पूरा मैं आपको वापस बता देता हूं देखिए दूसरा भी एक तरीका था अगर आपने अभी जो शॉर्टकट समझा उस तरह से समझे तो एक और बहुत बढ़िया शॉर्टकट हो सकता है देखिए क्या हो सकता है मैं ये सोच सकता हूं कि यार फिफ्टी टू तो एवरेज है एवरेज से डेविएशन तो जीरो होते हैं है ना तो वॉइस तो यार छ ज्यादा है छ ज्यादा ऐसे कितने बॉयज और जितना ज्यादा होगा उतना ही कम होगा क्योंकि डेविएशन जीरो होते हैं तो आठ कम ऐसे कितनी गर्ल्स आठ कम ऐसे कितनी गर्ल्स तो एक्स और वाई का रेशियो क्या हो गया एट बाई सिक्स है ना और भी अच्छा लॉजिकल तरीका ठीक है पर ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ ये कैसे होता है बाकी आपको सबको पता है कि एलिगेशन मिक्सर का शॉर्टकट है क्या लेकिन देखिए जरूरी ये है कि उसको समझना है ऐसे कुछ रट्टा नहीं मारना ठीक है तो हमने दोनों तरीके से समझाया कि एट सिक्स यानी फोर थ्री क्यों होता है हाँ आपको पता है कि हाव एलिगेशन मेथड इज यूज ऑल यू नीड टू डू आप ये तीन एवरेज ऐसे रखते हो जो दो एवरेज इसको मिक्स कर रहे हैं आजू बाजू और बीच में रख देते हो जो मिक्स होकर एवरेज आ रही है ठीक है बाद में आप बोलते हो अच्छा भाई इस दोनों का डिफरेंस कितना है फिफ्टी टू फोर्टी फोर का एट सामने की तरफ डालो इस दोनों का डिफरेंस इधर डाल दो फिफ्टी एट फिफ्टी टू का डिफरेंस कितना है सिक्स सामने की तरफ डालो तो इस रेशियो में बॉयज एंड गर्ल्स थे इज नथिंग बट है ना समझ में आ रहा है आर यू यू गेटिंग दिस दिस है है ना इज हाउ वी यूज इट बट शुड नो ठीक उसी पे हम वर्क करते हैं क्योंकि जब आपको अंदर से पता होगा ना कि अच्छा ये सीनारियो होता है और ये इसलिए होता है कि उसका मेकेनिज्म क्या था मैंने पूरा समझाया तब आपका रियल दिमाग खुलता है और कोई भी क्वेश्चन होंगे ना आप फटाफट यूज कर लेंगे और आप देखेंगे

दो ग्रुप का इंडिविजुअल एवरेज एक कंबाइन एवरेज और एक रेशियो जिस रेशियो में वो मिक्स होते हैं ये चार में से अगर कोई भी तीन चीज दी है एक चीज मिसिंग है है ना तो हम वो फटाफट विदाउट मेकिंग एनी इक्वेशन इसी शॉर्टकट से निकाल देंगे ठीक है चलिए ट्राई करते हैं भाई इसको समझते हैं ठीक है कैसे कैसे इसको क्वेश्चन में अगर भाई आपको ये एंजॉय कर रहे हो और आपको लगता है नहीं यार सही में यू आर सिंसियर अबाउट योर कैट स्टडीज ठीक है हमारे टाइम के सेंटर पे जाइए फाइन अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वहां पे बता सकते हो बी टी वन थाउजेंड इज द कोड इस कोड के आपको थाउजेंड रुपीज डिस्काउंट और ये रियल डिस्काउंट है कोई और कोई भी डिस्काउंट चल रहा होगा ना ओवर एंड अबोव इट ठीक है जस्ट बिकॉज आप सिंसियर हो आप यूट्यूब वीडियो से सीख रहे हो और आप रियल में कुछ करना चाहते हो ना आपके अंदर जज्बा है इसीलिए हम ये डिस्काउंट दे रहे हैं कि अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो सीख रहे हो दैट मीनस यू आर वेरी सिंसियर अबाउट योर कैट स्टडीज आप जस्ट हमारे सेंटर पे जाइए एनरोल कराइए ऑनलाइन बैच ऑफलाइन बैच सब टाइप की बैचेस है ठीक है और ये डिस्काउंट आपका हुआ लेकिन मेन चीज़ डिस्काउंट तो ठीक है मेन चीज़ है आपका सिंसियर होना क्योंकि आप अगर सिंसियर हो तो आपका रिजल्ट आएगा ये गारंटी है ठीक है फाइन चलिए आगे बढ़ते तो रियल कैट क्वेश्चन की तरफ भी फंडा हमने देख लिया है समझ लिया है है ना होपफुली आपने वीडियोस पोस्ट करके पहले सॉल्व किए होंगे नहीं किए तो अभी भी ट्राई कर सकते हो ठीक है लेटस अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है देखिए समझते हैं। अब इस बंदे ने कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर दोनों उसने खरीदा है ठीक है इतना प्रॉफिट इतना लॉस ओवरऑल ये हो गया ओके अब क्या पता चला आपको क्या पता चलना चाहिए सीधी सी बात यह है कि तीन एवरेज मिलनी चाहिए और इसमें भी आपको तीन, दो चीज है एक कंप्यूटर एक लैपटॉप और एक उसका कंबाइंड क्या हुआ है ना और तीनों चीज का क्या दिया है एवरेज में एवरेज प्रॉफिट या लॉस दिया है सो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड ये आपको समझना है कि क्या दिया है क्या इसमें एलिगेशन यूज हो सकता है हो सकता है क्यों क्योंकि तीन एवरेज दिए दो इंडिविजुअल एवरेज एक कंबाइंड एवरेज कौन सी दो इंडिविजुअल है भाई ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट टेन परसेंट लॉस इंडिविजुअल है ना एक डेस्कटॉप की एक लैपटॉप की और ओवरऑल दोनों मिला के टू परसेंट प्रॉफिट हुआ

अब देखिए समझिए क्या है ये एलिगेशन मिक्सचर यूज कर सकते कर सकते क्योंकि ये दोनों का एवरेज ही तो ये है है ना कंबाइंड एवरेज और अगर आप इस दोनों का डिफरेंस देखें तो आ जाएगा भी 12, इधर डाल दीजिए ट्वेंटी और टू का डिफरेंस देखिए तो आ जाएगा एटीन इधर डालिए ट्वेल्व इस टू एटीन दट इज टू ये, ये रेशियो आया किसका ये इंपॉर्टेंट है समझना भाई ये रेशियो आया किसका तो मुझे ये बताइए एक्सक्यूज मी कि यहां पे ये जो 20% प्रॉफिट था प्रॉफिट पर पर क्या होता है पर रुपीज पैंट है ना आपकी कॉस्ट होती है आपको याद है प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे होता है देखिए हर एक चीज का मैं आपको आई बटन दे देता हूं क्योंकि ये हर एक चीज बेसिक है आपको पता होना चाहिए चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड भाई परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का भी तो यहाँ पे इंप्लीकेशन है है ना इनके इनकेस आपने परसेंटेज नहीं देखा यहाँ पे आई बटन दे देता हूँ परसेंटेज का वीडियो भी देख डालिए ठीक है थीके? पूरा यहाँ पे आपको मैं आई बटन दिया है वो किस चीज़ का है पूरे पूरे प्ले का तो परसेंटेज भी देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो समझ में आना चाहिए तो यहाँ पे अगर हम समझे तो वो प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट पे गिनते तो पर कॉस्ट होता है तो ये कॉस्ट का रेशियो तो आ गया टू इज टू थ्री है ना कॉस्ट का रेशियो आ गया डेस्कटॉप और लैपटॉप टू इज टू थ्री की उसका रेशियो है आपका कॉस्ट का टोटल कॉस्ट कितनी थी भाई पचास हज़ार तो क्या हो गया पचास हजार को इस रेशो बा ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड देखिए मैं हमेशा क्या करता हूँ ये डिफरेंस डाल के यहां डालता हूँ ये मेथड याद रख लीजिए रेशियो यहाँ बीच में मिलता है ओरिजिनल फिगर क्योंकि टू इज टू थ्री जब आप फिफ्टी थाउजेंड बाटते हो तो ट्वेंटी थाउजेंड यहाँ पे तो एरो के आउटसाइड में मैं आपको रियल फिगर लिखता हूँ इन साइड रेशियो लिखता हूँ ठीक है इस तरह से ही रखिए तो बहुत ईजी लगेगा तो ऑब्वियसली टू ट्वेंटी एंड थ्री इज थर्टी तो दोनों का कॉस्ट प्राइस पता चल गया पूछा क्या था भाई डेस्कटॉप का परचेज प्राइस और कुछ भी नहीं है ट्वेंटी थाउजेंड है आपका आंसर फाइन गुड इनफ जैसे आपने देखा ना यहाँ पे डेस्कटॉप का ट्वेंटी थाउजेंड है फाइन सो देखिए अगर आपको सही में एलिगेशन मिक्सचर आता होता तो ये क्वेश्चन मतलब कि पढ़ने के बाद करने के साथ एक मिनट से ज्यादा तो लग ही नहीं सकता ठीक है ना जैसे अगर मैंने तो अभी पूरा किया लेकिन अगर एग्जाम में मैं ये क्वेश्चन देखता ना देखिए जैसे मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन एक देखता तो मैं ऐसे ही कर लेता अच्छा ट्वेंटी माइनस टेन टू ट्वेल्व एटीन यानी टू थ्री फिफ्टी ए तो ट्वेंटी थर्टी डेस्कटॉप यानी ये वाला तो ट्वेंटी थाउजेंड पढ़ने में आपकी दस सेकेंड जा सकती है करने में ट्वेंटी सही में बोलूँ तो थर्टी फोर्टी सेकेंड्स तो बहुत हो गए इतने ईजी क्वेश्चन के लिए और यही करना है ईजी क्वेश्चन को आपको जल्दी खत्म करने है जिससे कि टफ क्वेश्चन पे आपको टाइम मिले और इजी इजी पहले पिक भी तो करने है, है ना ये बहुत जरूरी है भाई आपके कैट के सक्सेस के लिए यू हैव टू बी स्मार्ट और ये सब कहाँ सिखाया जाता है भाई यही तो हम सिखाते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई वापस आप वीडियो को पोस्ट कर लीजिए ट्राई कर सकते हो ठीक है कैट ट्वेंटी सेवनटीन सेफ टू का क्वेश्चन है देखिए कैसे कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पे भी अगर आप समझे तो एक चीज दी है क्या दिया है ये रेशियो वाला कुछ मिक्सचर है ये रेशियो वाला मिक्सचर है उसको किस रेशियो में मिला दे कि ये रेशियो वाला मिक्सचर बन जाए ये क्वेश्चन पूछा है है ना अब आप बोलोगे सर इसमें तो कोई एवरेज नहीं दी है ना हमारा फंडा क्या था कि एलिगेशन मिक्सचर तब काम करता है जब कोई दो एवरेज दी है उसकी कंबाइन एवरेज दी है और उस दोनों को किस रेशियो में मिक्स करना है ढूंढना तो है वही उस दो मिक्सचर को किस रेशियो में मिक्स करना है पर एवरेज कौन सी है तो वही तो आपको समझना है इसीलिए तो हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं अगर आपने ये क्वेश्चन किए होंगे तो आपको तब एग्जाम में भी स्ट्राइक हो जाएगा तो एवरेज क्या है देखिए अगर आप समझो तो बहुत ज्यादा औरतों कुछ डेटा दिया नहीं बट वॉट यू कैन अंडरस्टैंड इज आप तीनों में तीनों में यानी बोटल वन में बोटल टू में और दोनों कंबाइन करके जो मिक्सचर बनता है उसमें तीनों में एवरेज मिल्क क्या है वो भी समझ सकते हैं या एवरेज वाटर क्या है वो भी तो समझ सकते हैं है ना तो आप एवरेज मिल्क ले लीजिए तीनों में या एवरेज वॉटर ले लीजिए है।, है ना बात तो एक ही है सो इफ यू कैन रियली अंडरस्टैंड यहां पे देखिए मैं आपको समझाता हूं अब मैं नॉर्मली है ना दो में से कम फिगर वाला लेता हूं सात दो नौ चार जनरली दूसरा वाला पार्ट कम है तो क्या कैलकुलेशन नॉर्मली कंपेरेटिवलीजी हो जाता है तो ये सब चीजें आपने प्रैक्टिस की होगी तो पता चलेगी तो मैं एवरेज वोटर लेता हूं चलिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बोटल वन ऐसी है जिसमें ऑन एन एवरेज वोटर टू बाई नाइन है बोल सकता हूँ ना टू बाई नाइन है तो यहाँ पे देखिए ये है बोटल वन जिसमें ऑन एन एवरेज हम दोनों तरफ लिखते वॉटर टू बाई नाइन है है ना अच्छा यहाँ पे दूसरी बोटल में ऑन एन एवरेज वोटर फोर बाय थर्टीन है बोल सकते हैं है ना तो यहाँ पे बोटल टू ऑन एन एवरेज वॉटर कितना है भाई टू बाई फोर बाई थर्टीन था ना एक बार हाँ फोर बाय थर्टीन फोर बाई थर्टीन है इस दोनों को किस रेशियो में मिला है, है ना तो ऐसा मिक्सचर मिले जहां पे आपका जो मिक्सचर मिले उसमें वाटर ऑन एन एवरेज वन फोर्थ है है हाँ ना मिल्क इज टू वाटर दिया है तो वाटर है आर यू गेटिंग दिस तो यहां पे बीच में है अब आप बोलोगे सर ये सब फ्रैक्शन फ्रैक्शन में आ गया तो हम कर सकते हैं ना बेस सेम कर देते हैं बेस सेम करना आता है ना भाई जैसे यहां पे थर्टी नाइन एंड फोर है सो so म क्या करते हैं एल सी एम वाला सब में नीचे थर्टीन इंटू फोर इंटू नाइन करते हैं तो हम क्या करना पड़ेगा थर्टीन इंटू फोर जब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे थर्टीन इंटू फोर तो क्या नीचे बेस हो जाएगा थर्टीन इंटू फोर इंटू नाइन तो ऊपर भी तो इंटू थर्टीन इंटू फोर होगा है ना एंड यू नो इट इट इज वन जीरो फोर सो आप बोल सकते हो बोटल वन में वन जीरो फोर बाई वॉट एवर दिस नंबर यू आर नॉट सपोज टू फाइंड इट आउट जस्ट सब में बेस सेम कर लेते हैं तो उसी तरह से अगर यहाँ पे मुझे करना है 13 into 9 into 4, 13 तो है into 9 into 4 करना है करना तो ऊपर भी तो इंटू नाइन होगा 16, 9, जा 144, तो बोटल टू, 144. मिक्स करके मुझे क्या बनाना है नीचे वापस ये करना है फोर तो है थर्टीन इंटू नाइन करना है तो ऊपर भी तो थर्टीन इंटू नाइन कर देना है है ना हैथिंग बट वन वन सेवन मुझे ये बनाना है आई यू गेटिंग दिस मैंने किस तरह डील किया फ्रैक्शन को नीचे बेस सेम बना दिया तो फिर वो नीचे वाला लिखना ही नहीं है तीनों में सेम है है ना तो ऊपर वाला ही लिखना है भाई थोड़ा बहुत फ्रैक्शन आना चाहिए है ना फाइन तो यहां पे देखिए वंस यू नो दैट ऑल यू नीड टू डू इज भाई इस दोनों का डिफरेंस जो 27 है सामने डाल दीजिए इस दोनों का डिफरेंस जो 13 है वो इधर डाल दीजिए आर यू गेटिंग दिस है ना तो देर यू गो ट्वेंटी सेवन इस टू थर्टीन आपका आंसर होना चाहिए देख रहे थे भाई ऑप्शन में था कि नहीं टी सेवन है ना तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था इफ यू अंडरस्टैंड और देखिए पूछा कब गया था था कैट में बहुत सिंपल सा टॉपिक वापस आपको ये पूरा करना नहीं चाहिए ठीक है इसे पूरा लिखना भी नहीं है इफ यू आर गुड इनफ आफ्टर गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस जब आप प्रैक्टिस अच्छी तरह करोगे स्ट्रक्चर वे में जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे आप इसको ऐसे ही कर लोगे अच्छा भाई ये टू बाई नाइन ठीक है इधर लिख देते टू बाइन इधर लिख देते फोर बाय थर्टीन करना कितना है भाई फोर ओके सो थर्टीन फोर 52 थर्टी सिक्स इंटू फोर वन फोर्टी फोर नाइन थर्टीनजा वन वन सेवन इंटू वन 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 सेवन सो ट्वेंटी सेवन एंड थर्टीन दैट्स इट टिक करो नेक्स्ट समझ में आ रहा है फोर्टी सेकेंड्स वापस वही बैठ रहा है दस सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने में ये करने में कितना टाइम जाएगा हाफ अ मिनट है ना यस यू शुड बी गुड विथ योर कैलकुलेशन ठीक है जैसे मैंने देखा ना तो पहले मैं पूरा समझाता हूँ बताता हूँ लेकिन बाद में बताता हूं कितना इजीली हो सकता है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है लेकिन ये वाला क्वेश्चन काफी सिमिलर है जो 2017 में पूछा गया था ऑलमोस्ट 20 साल पहले वही तो पूछा गया था है ना तो आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में डालिए इसका आंसर है ना मुझे पता चले आपको कितना आ रहा है सब कमेंट बॉक्स में डालिए भाई इसका आंसर 1996 में दिया था होमवर्क है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना है ठीक है तो बहुत सिमिलर है तो मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वापस सोचिए किस तरह किया जा सकता है यू कैन एक्चुअली पोस्ट द वीडियो ठीक है पोस्ट कर लीजिए शांति से सोचिए और कर लीजिए देखिए है क्या वापस बहुत सिंपल सा फंडा है फंडा क्या है दो लिक्विड है वापस है ना पहले लिक्विड का वेट वन के है एक लीटर का पर लीटर तो यहां पे एवरेज क्या है वेट पर लीटर आपका एवरेज है, वही तो आपको दिया है बोटल वन जो है, उसमें वन लीटर का वेट, वेट आठ सौ ग्राम है आर यू गेटिंग दिस आपको क्या करना है, है ना? आपको लेना है एवरेज इस बार क्या है वेट पर लीटर वेट पर लीटर है ना समझ में आ रहा है तो वेट पर लीटर आपको दिया ही है भाई यहाँ पे एक जी के जी यहाँ पे 800 ग्राम तो लिख दीजिए आमने सामने भाई वन के जी यानी थाउजेंड ग्राम यहाँ पे 800 ग्राम है ना तो ये आपने कर दिया मिक्स ठीक है अब मिक्स करने के बाद क्या हुआ हाफ ए लीटर ऑफ मिक्सचर ये समझना हाफ ए लीटर का चार सौ अस्सी ग्राम हाफ ए लीटर तो हमें तो पर लीटर चाहिए पर लीटर क्या हो गया डबल 960 ग्राम है ना तो जो मिक्सचर बना है ना ये मिक्सचर है दोनों को जो मिक्स किया वो तो हम बीच में लगाएंगे तो वो कितना हो गया 960 तो यहाँ पे लिख देते हैं 960 है ना तो यहाँ पे देखिए जो मिक्सचर थे एंड एंड लिक्विड उसको हम बोलेंगे यहाँ पे लिक्विड वन है ये लिक्विड टू है दोनों की हमने एवरेज डाली और ये मिक्सचर की एवरेज डाली है बीच में हो गया फिर काम एक जीरो तो कैंसिल कर दीजिए ना हमें तो रेशियो मायने रखता है इस दोनों का डिफरेंस सिक्सटीन इधर इस दोनों का डिफरेंस चार इधर फोर इस टू वन इस रेशियो में दोनों को मिलाया है देख लेते भी पूछा गया है देखिए क्या पूछा परसेंटेज ऑफ लिक्विड इन इन द मिक्सचर तो परसेंटेज ऑफ ऑफ लिक्विड टर्म्स वॉल्यूम कितना है अब देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा समझना है क्योंकि वॉल्यूम बोला है अब समझना है ये हमें देता क्या है पहले तो ये समझना ठीक है ये हमें देता क्या है पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये रेशियो आया वो किस चीज का आया क्योंकि ये क्या था थाउजेंड थाउजेंड क्या था भाई थाउजेंड ग्राम पर लीटर पर के बाद क्या था वन किलो पर लीटर आठ सौ ग्राम पर लीटर समझ में आ रहा है ये चीज वो पर लीटर था है ना और लीटर वॉल्यूम होता है वेट अलग होता है है ना और हमें तो ये जो रेशियो मिला होगा किसका मिला होगा जो पर के बाद होता है जैसे हर एक क्वेश्चन देखिए मैं वापस पूरा समझाता हूँ पहले क्वेश्चन से ठीक है यहां पे यहाँ पे वापस पूरा वापस वो फंडा समझना है प्रॉफिट पर कॉस्ट होता है तो हमें जो रेशियो मिला था वो कॉस्ट का मिला था टू इज टू थ्री तो टोटल तो फिफ्टी थाउजेंड आपकी परचेज प्राइस ये सब परचेज प्राइस थी यहाँ पे वापस यहाँ पे वापस टू बाई नाइन वॉटर पर मिक्सचर टू बाई नाइन आउट ऑफ टोटल मिक्सचर है ना ये जो हमने एवरेज निकाल थी टू बाई नाइन फोर बाई थर्टीन आउट ऑफ मिक्सचर पर मिक्सचर है ना वो पर मिल्क नहीं था पर वाटर नहीं था पर मिक्सचर था इस मिक्सचर में टू बाई नाइन वॉटर है आर यू गेटिंग तो पर मिक्सचर था तो जो रेशियो आया था वो बोटल वन और बोटल टू के जो अंदर भरा हुआ मिक्सचर था उसका रेशियो आया था समझ में आ रहा है तो उसको उस तरह से हम मिक्स करेंगे दोनों मिक्सचर को टू इज टू जो भी आया था आंसर हमारा फाइनली ट्वेंटी सेवन इज टू थर्टीन आर यू गेटिंग दिस तो पर मिक्सचर था तो बोटल वन का इतना मिक्सचर लेना है बोटल टू का इतना मिक्सचर लेना है तो वो हमें जो पर के बाद होता है उसका रेशियो मिलता है तो यहां पे भी समझना यहां पे मिक्सचर ऑफ ए एन बी का क्या पूछा है टू कंटेनर्स कंटेन ये हाँ ये तो सॉरी ये नहीं ये क्वेश्चन हम कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम यानी लीटर है ना और हमें जो रेशियो मिला वो भी क्या है लीटर का ही है तो कोई दिक्कत नहीं भाई वॉल्यूम ये कितना हो जाएगा फोर फिफ्थ ना ये फोर फिफ्थ हो गया ये वन फिफ्थ हो गया अगर आप समझो तो क्योंकि कोई टोटल तो दिया नहीं है पर फोर फिफ्थ इज नथिंग बट एटी परसेंट क्योंकि हमें बोटल वन का पूछा है है ना तो हम इजीली बोल सकते हैं एटी परसेंट इज दिस पॉइंट क्लियर प्रिटी सिंपल एंड प्री इजी है ना समझ में आ रहा है मजा आ रहा है होप यू आर एन्जॉइंग दिस फाइन आई होप यू आर लर्निंग समथिंग डिफरेंट एज वेल और राइट तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए वीडियो पोज कर लीजिए भाई होना चाहिए ठीक है और काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं यू वुडेंट कि दिस कैन बी डन विथ एलिगेशन एंड मिक्सचर ट्रिक बट हो सकता है अभी तो मैंने बता भी दिया आपको चलिए सोचिए किस तरह हो सकता है देखिए कोई बात नहीं है अगर आप समझो यहाँ पे वो एवरेज वाली चीज है क्या समझना क्या है हमें कि वो एवरेज वाली चीज है क्या अगर वो समझ में आ गया तो देखिए इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए है, है ना देखिए एवरेज इंक्रीज है ना यहाँ पे क्या दिया है एवरेज इंक्रीज ऑन एन एवरेज कितना बढ़ रहा है अब ये जो इंक्रीज है ना वो आप एक्चुअल वैल्यू भी ले सकते हो या तो परसेंटेज में भी ले सकते हो दोनों तरीके से कर सकते हो देखिए वन बाय वन समझते हैं ठीक है थीके? अगर आप वैल्यू लो तो यहां पे देखिए चलिए पहले परसेंटेज से करवाता हूं ठीक है पहले कोई बात नहीं क्योंकि आपको दो परसेंटेज तो दिए टेन परसेंट इंक्रीज ट्वेल्व परसेंट इंक्रीज है ना लेकिन ओवरऑल कितना बड़ा वो कहां से पता चलेगा यहां से है ना तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन है या तो तीनों वैल्यूज रखी या तो तीनों परसेंटेज तीनों परसेंटेज रखने में दो परसेंटेज तो दिए लेकिन इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा सो यू शुड बी गुड विथ परसेंटेज मैंने आपको आई बटन तो दे दिया है ना वो थोड़ा देख लेना है ना बेसिक परसेंटेज आपके क्लियर होने चाहिए तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं भाई अगर मुझे देखना है यहाँ से यहाँ कितना बड़ा ऑब्वियसली वन थाउजेंड किस पे बड़ा ऑब्वियसली ऑन दिस इलेवन परसेंटेज के लिए इन टू हंड्रेड करना है दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे पांच तो इसमें कॉमन है पाँच से डिवाइड कर लेते हैं सो ट्वेंटी थ्री दिस वुड बी टू फिफ्टी टू फाइन अब टू फिफ्टी टू डिवाइड बाई ट्वेंटी थ्री इज नथिंग बट ट्वेंटी थ्री इन टू टेन इज टू थर्टी ट्वेंटी टू इज रिमेनिंग गोज हियर सो क्या आप ये बोल सकते हो कि ओवरऑल जो इंक्रीज है क्योंकि ओवरऑल इंक्रीज वन टू सिक्स जीरो का है ऑन वॉट ऑन वन वन फाइव डबल जीरो ओवरऑल इंक्रीज जो है वो कितना है टेन ट्वेंटी टू बाई ट्वेंटी थ्री परसेंट है ना तो अब क्या है अब तो आपके पास तीनों परसेंटेज हो गए है ना एक फिक्शन का कितना परसेंट बढ़ता है एक नॉन फिक्शन का एक ओवरऑल उस दोनों की कंबाइंड कैटेगरी में कितना बढ़ता है तो लिख दीजिए भाई देखिए टेन हम इधर लिखेंगे ट्वेल्व इधर दोनों का कंबाइन कितना बड़ा जैसे आप देख रहे हो टेन ट्वेंटी टू बाई ट्वेंटी थ्री तो यहाँ पे लिख देते टेन ट्वेंटी टू बाई ट्वेंटी थ्री अब तो क्या करना है भाई इस दोनों का डिफरेंस थोड़ा फ्रैक्शन फ्रैक्शन भी आना चाहिए है, है ना मिक्स से ऑफ दीज टू अगर ये नहीं समझ में आता ना तो यहाँ पे एक और आई बटन दे रहा हूं है ना फ्रैक्शन के रिलेटेड वीडियो है देख लीजिए आपको फ्रैक्शन से खेलना आना चाहिए ठीक है थीके? तो काफी सारे भाई मैंने वीडियोस बनाए आपको आई बटन मिलते जाएंगे क्योंकि बेसिक जब क्लियर होगा ना तो ही तो सीखना बहुत इजी हो जाएगा सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइन लेट्स अंडरस्टैंड सो द डिफरेंस ऑफ टू दिस साइड द डिफरेंस ऑफ दिस दिस टू इज साइड दिसड्स द रेशियो द रेशियो इज नथिंग बट दिस विल बिकम ट्वेंटी फोर बाय ट्वेंटी थ्री दिस अपॉन ट्वेंटी थ्री इज कॉमन सो वी कैन से दिस इज ट्वेंटी फोर इज टू ट्वेंटी टू Which is nothing but twelve is to eleven. Fine. So we found the ratio, twelve is to eleven. But what is this ratio? What does that mean? Try to understand. What we took here as an average was percentage increase. Now percentage increase over over obviously the initial books of two thousand ten. Try to understand. The percentage basic is very important here. Whenever we say 20% increase. If my salary is 1200 now and 20% increase, that doesn't mean that the 20% of 1200, right? That is 20% of original previous salary. Are you getting this? So, always increase is over the previous one. So, 12 and 11 is the ratio of what? The initial books of fiction and non fiction because this 10% was of fiction, right? And this one was of ऑफ़ नॉन समझ में आ रहा है है ना तो और कुछ भी नहीं है भाई ये देखिए आप खुद को ना ये क्या है ये जो आपने लिखा था टेन परसेंट इंक्रीज ओवर था प्रीवियस टू थाउजेंड टेन की बुक थी समझ में आ रहा है ना अभी जो टू थाउजेंड फिफ्टीन की है वो नहीं तो ये रेशियो किसका मिलेगा टू थाउजेंड टेन की फिक्सन और नॉन फिक्शन बुक का टोटल बुक्स तो हमें दिया हुआ है, है ना? तो करना कुछ भी नहीं है इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपका टोटल बुक्स है उसको आपको ट्वेल्व इस टू इलेवन के रेशियो में बांटना है ट्वेल्व प्लस इलेवन ट्वेंटी थ्री इन फाइव सो ट्वेल्व फाइजा सिक्स थाउजेंड एंड इलेवन फाइजा फिफ्टी फाइव हंड्रेड सो दिस विल बी द इनिशियल नंबर ऑफ बुक्स बट वॉट इज द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी फिक्सन बुक्स वर देर इन टू थाउजेंड फिफ्टीन सो दे आर नॉट आस्किंग अबाउट दिज बुक्स Asking about the books in 2015. So, you can say 6000 were the initial books, 10% is the increase, right? So, plus 600, which makes it 6600. That has to be your final answer. Are you getting this? Fine. So, I hope you are getting this. There is nothing, you know, new in this, but it is a different type of question, but you should be able to solve it too. Fine. So, I hope you are enjoying this. But at the same time, I will also give you another aspect to this particular question as well. तो आप कर सकते हो ना जरूरी नहीं है एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताता हूँ इसको भी हम हटा देते हैं तो जरूरी क्या है जरूरी है अगर आप परसेंटेज लिखो तो हर एक जगह परसेंटेज लिखो पर आप सिर्फ इंक्रीज लिख लो ना आप कर सकते थे कैसे देखिए अगर फिक्सन बुक के हिसाब से जाए तो इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का टेन परसेंट इंक्रीज होना चाहिए था इन अदर वर्ड अगर सब बुक फिक्सन बुक होती तो कितना इंक्रीज होता इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का टेन परसेंट एक जीरो काट दो इलेवन फिफ्टी है ना तो मैं यहां पे लिख सकता हूँ इलेवन फिफ्टी फिक्सन बुक के हिसाब से तो ये इंक्रीज होना चाहिए था और नॉन फिक्सन बुक के हिसाब से यानी कि अगर सभी की सभी बुक नॉन फिक्सन हो जाती ठीक है तो ट्वेल्व परसेंट कैसे गिनते हैं टेन परसेंट प्लस टू परसेंट परसेंटेज इंपॉर्टेंट है फटाफट निकालना तो टेन परसेंट तो यही है 1150. 2 कितना दो जीरो काट दो आपको एक परसेंट मिलता है का डबल तो करना कुछ भी नहीं है इस पे 238 कर दो 1380. और ये आपका नॉन बुक के हिसाब से इंक्रीज होता है. तो अब मैं परसेंटेज नहीं लिख रहा हूँ क्यों कौन परसेंटेज निकाले इंक्रीज निकालना इजी है समझ में आ रहा है है ना आप ये इजीली कर सकते हो इसका टेन परसेंट इसका ट्वेल्व परसेंट निकालना बहुत इजी था

इस दोनों का डिफरेंस इलेवन इधर इट इवन इजीयर तो जरूरी नहीं है वापस ये इंक्रीज का रेशियो था ना ये जो था हमारा वो ऑन एन एवरेज कितना इंक्रीज पर फिक्शन बुक पर नॉन फिक्शन बुक एंड इंक्रीज हमेशा होता है ओरिजिनल पे तो ये रेशो आया ओरिजिनल बुक्स ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स ओरिजिनल मीन्स 2010 तो 2010 का आपका 11,500 टोटल बुक था वापस आप उसको डिवाइड कर लीजिए है ना 11,500 को इस रेशियो में जब बांटेंगे आपको दिखना चाहिए 12 प्लस इलेवन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री इंटू फाइव होता है वन वन फाइव तो इंटू फाइव हंड्रेड सो ट्वेल्व इंटू फाइव हंड्रेड इज सिक्स थाउजेंड इलेवन इंटू फाइव हंड्रेड इज सॉरी फिफ्टी फाइव हंड्रेड एंड नाउ वॉट इज द क्वेश्चन क्वेश्चन अब तो आपको पता है भाई इसमें छः सौ एड करने हैं बिकॉज टेन परसेंट इंक्रीज हुआ है ना तो फाइनल आंसर ये देना है गेटिंग दिस सो देट कुड बी टू डिफरेंट मैथड्स जस्ट लॉजिकल मैथड्स भी नॉर्मल मैथड्स तो बहुत लंबे हो सकते हैं बट लॉजिकल मैथड्स एलिगेशन मिक्सचर से इट कुड हैव बीन डन समथिंग लाइक दिस फाइन आई होप यू आर एंजॉइंग दिस गिव अ गो टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल ठीक है देख लीजिए हो जाना चाहिए ठीक है बहुत सिंपल है पोज करके फटाफट सॉल्व कर दीजिए देखिए कैसे होना है देखिए समझता है टीम हैज प्लेड 40 मैचेस सो फार और उसमें से 30 परसेंट जीत चुकी है बाकी में से 60 जीत जीत जाती जाती तो ओवरऑल 50 जाती, क्या है इसमें वो एवरेज कौन सी है जो तीनों जगह पे मिलती है कौन सी? कितने मैच जीत रहे? है ना थर्टी परसेंट जो अभी तक मैच जीते हैं वो है रिमेनिंग के सिक्सटी तो अभी यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे ये यह है करंट या तो आप बोल सकते हो जो भी आप फोर्टी मैच जीते हो देखिए मैं ये बाहर की साइड रखता हूँ क्यों हम रेशियो बिटवीन में डालेंगे ओरिजिनल मैच मैच बाहर डालेंगे। तो ये इनिशियल जो है, जिसमें हम 30 जीते, हम 30% जीते, एवरेज आज़ू बाज़ू लिखते हैं ना, और उसकी क्वांटिटी लिख दी, 40 मैचेस बाकी मुझे नहीं पता कितने नहीं पता लेकिन उसमें अगर यहां पे समझ में आ रहा है इनिशियल का थर्टी परसेंट रिमेनिंग का सिक्सटी परसेंट और ओवरऑल फिफ्टी परसेंट है ना तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फिफ्टी इस दोनों का डिफरेंस वन इस दोनों का डिफरेंस टू समझ में आ रहा है ना भाई जीरो जीरो काट लिया मैंने तो वन इस टू टू के रेशियो में है वन अगर फोर्टी है तो टू कितना है एटी है तो मुझे पता चल गया रिमेनिंग मैच एटी है विदाउट मेकिंग एनी इक्वेशन जस्ट बाय एलिगेशन एंड मिक्सचर समझ में आ रहा है है ना और एक बार ये पता चल गया अब देखते क्या पूछा है भी? अब पूछा है कि सपोज दे विन देसेंट ऑफ द रिमेनिंग मैचेस तो कितने मैचेस जीत जाएंगे इन द टूर्नामेंट अगर ये 90 परसेंट जीत जाए बाकी के है ना तो हमें अब तो पता है कि यहाँ तो 40 के 30 परसेंट मतलब 12 जीत चुके हैं और इन केस बोला सपोज 90 परसेंट एटी का 90 परसेंट तो होता है भाई सेवेंटी जीत जाए तो ट्वेल्व प्लस सेवनटी टू जीत जाते था कुछ कुछ भी तो नहीं था एटी फोर यू गो है ना तो ये होता है है ना जो नॉर्मल मैथड्स है वो बहुत लंबे होंगे बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट अगर आपके समझ में आता है ना एलिगेशन मिक्सचर तो बहुत सिंपल है और उसी पे हम वर्क करते हैं और अगर अब भी आपको लगता है कि नहीं सर और स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है तो आ जाइए भाई टाइम सेंटर पे एनरोल करा दीजिए क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ज़रूरत है बेसिक से पढ़ने की जब आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो ना तो ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है हमारा हमेशा एफर्ट ये रहता है कि हर एक स्टूडेंट जो ये देख रहा है उसको समझ में आए ठीक है पर कुछ स्टूडेंट्स जिसका बेसिक वीक है जिसको पहले से करने की जरूरत है तो प्लीज एनरोल और वो भी लोग जो मतलब ये समझ भी रहे है ना काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा वंस यू गेट एनरोल फॉर द फुल कोर्स तो उस पर आप मेहनत करो अगर आप सिंसियर हो ना कि नहीं भाई मुझे कैट क्लियर करना है है ना देन नो बडी कैन बी टाइम है ना यहां पर आपको जो सीखने मिलेगा कहीं और नहीं मिल सकता चलिए देखते आई होप यू एन्जॉय दिस राइट और कुछ भी नहीं था चलिए ये वाला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा है, आज का वीडियो का पोस्ट करके देख लीजिए वापस देखने में आपको लगेगा शायद थोड़ा टफ है बट इट इज नथिंग बट एलिगेशन मिक्सचर और बहुत ईजी है कुछ भी नहीं है देखो थोड़ा समझता है पहले तो बोला है कि जो स्ट्रेंथ होती है पर हंड्रेड जो हंड्रेड सी में उसको हम उसको जितना परसेंटेज है है ना उसको उसकी स्ट्रेंथ बोलते हैं सीधी सी बात है अगर मैं बोलता हूँ एटी परसेंट स्ट्रेंथ है इंडिगो की दैट मीन्स एटी परसेंट उसमें इंडिगो है वो जस्ट नॉर्मल सेंटेंस है विच वी एनी वे नो ओके okay. अब बोला दो आठ सौ सीसी की बोतल है जिसमें इंडिगो सॉल्यूशंस भरा हुआ है विद स्ट्रेंथ थर्टी थ्री परसेंट एंड 17% सो इफ यू विजुलाइज़ ट्राई टू विजुलाइज हियर बोतल इज फुल दिस बोतल इज आल्सो फुल ऑफ एट हंड्रेड सी सी दिस इज थर्टी थ्री परसेंट ऑफ इंडिगो एंड दिस इज 17% परसेंट ऑफ इंडिगो ठीक है अब ये क्या बोलते देखिए कि इसमें से अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट बोटल इस थ्रोन अवे कुछ हटा देते हैं अच्छा मुझे ये बताइए एक चीज सिंपल सी पूछता हूं अगर अगर मेरे पास फिफ्टी रुपीज पर लीटर वाला दूध है उसमें से मैंने आधा जो है ना फेंक दिया ठीक है अब जो दूध बचा है वो कितने रुपए लीटर वाला है पचास का आधा पच्चीस ऐसा सोच रहे हो आप तो बहुत गलत सोच रहे हो है ना तो कितना भी फेंक दूं जो बचा होगा वो भी तो पचास रुपए लीटर वाला ही होगा ना टिंग दिस उसकी क्वांटिटी कम हो गई उसकी वैल्यू हाफ हो गई पर उसकी क्वालिटी क्वालिटी अभी भी पचास रुपये लीटर वाली है सेम तरीके से आप समझो जो यहाँ पे बर्तन था फर्स्ट वाला बोतल था वो फर्स्ट बोतल में से जिसमें थर्टी थ्री परसेंट था भाई जो भी हमारा सोल्ट था इंडिगो था सॉरी इंडिगो था थर्टी थ्री परसेंट इसका मैं कोई भी पार्ट हटा दूँ तो मैं चुन चुन के इंडिगो या चुन चुन के वोटर तो नहीं कर सकता इट विल भी थरली मिक्सड है ना तो वो तो जो भी जाएगा वो जो बाकी मिक्सचर बचेगा उसमें भी थर्टी थ्री परसेंट इंडिगो होगा समझ में आ रहा है है ना जो जाएगा उसमें भी वन थर्ड होगा थर्टी थ्री परसेंट ऑलमोस्ट वन थर्ड है ना आर यू गेटिंग दिस सो इसमें से कुछ हटा दिया भाई कुछ हटा दिया मान लो इतना कर दिया तो जो बचा है वो भी अभी भी ये जो बचा है ना ये मिक्सचर वो थर्टी थ्री परसेंट वाला ही होगा है ना तो ये हट गया कोई बात नहीं अभी भी जो है वो थर्टी थ्री परसेंट वाला है ठीक है अब क्या बोला है थोड़ा समझो और जो रिप्लेस कर दिया जो हटा दिया उसको रिप्लेस कर दिया तो 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 अभी जब मैं ये 17 वाला यहां डालूंगा, तो क्या होगा? 17 and 33 तो mix होगा. Are you getting this? है ना तो कुछ भी तो नहीं थर्टी थ्री एंड सेवेंटीन मिक्स हो रहा है तो हम एवरेज क्या ले रहे हैं परसेंटेज ऑफ इंडिगो इन द सॉल्यूशन पर मिक्सचर समझना पर मिक्सचर परसेंटेज ऑफ इंडिगो पर मिक्सचर ये मिक्सचर ए का कितना मिक्सचर लिया बी का कितना मिक्सचर लिया ना वो रेशियो आपको मिलेगा फाइनली ए में थर्टी थ्री परसेंट है यहां पे मिक्स तो वही दो है और फाइनली हो क्या रहा है थोड़ा देखते हैं ना फाइनली ट्वेंटी वन परसेंट बन रहा है जब ये मिक्स होता है ना दोनों तो यहां पे ट्वेंटी वन परसेंट का मिक्सचर पहली बोतल में बन रहा है जब ट्वेंटी वन परसेंट बन रहा है हमें पता है ना भाई सेवनटीन फोर्टीन फोर एंड ये कितना आ गया ट्वेल्व वन इज टू थ्री इस रेशियो में मिक्स किया है आर यू गेटिंग दिस ये क्या है यानी ये जो है ना ये वन पार्ट और ये क्या है जो नया डाला था वो थ्री पार्ट इस रेशियो में मिक्स किया है और ये तो पूरा बोटल भरा हुआ है आठ सौ सी सी का यानी आठ सौ सी सी को आपको वन इसी में बांटना आता है ना वन इसी में अगर आता है तो ये टू हंड्रेड ये सिक्स हंड्रेड है ना तो टू हंड्रेड ये सिक्स हंड्रेड ये अब हमें पूछा क्या है देखते हैं। हमें पूछा है वॉल्यूम इन सी सी ऑफ द सोल्यूशन लेफ्ट इन द सेकेंड बोटल में अब कितना सोल्यूशन बचाण बोटल जो है उसमें से हमने यहाँ पे जो डाला वो कितना है 600 तो डाल दिया तो बचा कितना टोटल एट हंड्रेड सी सी था तो बचा कितना टू हंड्रेड सीसी है ना तो अगर समझ में आता है ना तो कुछ भी नहीं है, है ना आप यू आंसर दे सकते हो तो और कुछ भी नहीं है एलिगेशन मिक्सचर अभी तो देखिए बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे अभी आगे हम इसके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और इसका भी मैं आपको यहाँ पे आई बटन दे देता हूं ठीक है वहां पे जाइए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वहां पे भी आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा इससे टफ लेवल के ही क्वेश्चन होंगे और रियल कैट क्वेश्चन होंगे फाइन सो आई होप यू आर एंजॉइंग इट एंड जैसे मैंने बोला भाई अगर आप सिंसियर हो तो आप जा ही रहे हो सेंटर पर एनरोल करा ही रहे हो तो साथ में आपका एक बहुत बड़ा फायदा करा रहा हूँ देखिए फायदा क्या है आपको ये कोड या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है ये कोड जब आपको देंगे भी, बीटी आप, दे आप एडमिशन लेते हो तो थाउजेंड रुपये का और ये रियल डिस्काउंट है भाई ओवर एंड अब एनी अदर डिस्काउंट काफी बार होता है ना स्कीम्स कैन नॉट बी क्लब डिस्काउंट बी क्लब ये क्लब हो सकता है दूसरा डिस्काउंट तो होगा तो होगा ये अलग मेरा डिस्काउंट है भाई यूट्यूब का डिस्काउंट है अगर आप ये देख रहे हो तो हमें लगता है कि आप रियल में एक सिंसियर स्टूडेंट हो और अगर आप सिंसियर स्टूडेंट्स हो तो उनके लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है क्योंकि जितने अगर हमें सिंसियर स्टूडेंट्स मिलेंगे उतना ही हम उसका रिजल्ट अच्छा ले पाएंगे और जब आपका रिजल्ट आता है ना उससे अच्छा सुकून और कुछ नहीं होता जब हमारा स्टूडेंट रिजल्ट आता है एंड वेन वी फील लाइक वी कैन मेक चेंजेस इन योर करियर इन योर लाइफ दैट्स द बेस्ट रिवॉर्ड अ टीचर कैन गेट राइट तो देखिए ये तो आपके पास है ही ठीक है ये थाउजेंड रुपीज़ भी आपको ऑफ मिल जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ भाई हमारे थोड़े बहुत जो सेंटर्स है, है ना ये हमारा हेड ऑफिस है अहमदाबाद का एक और अहमदाबाद का सेंटर और वहाँ पर गांधी का ब्रांच तीनों जगह पर ये कोड आप यूज़ कर सकते हो और तीनों जगह पर आपको कोचिंग जो मिलेगी है ना इट कैन नॉट गेट बेटर देन दिस आई कैन प्रॉमिस यू दैट ठीक है चलिए यहाँ पे देखिए अगर आपको टाइमिंग्स के बारे में जानना है बैचेस के बारे में तो देखिए अगर वीकडेज में आना चाहते हो तो तीन अलग अलग टाइम स्लॉट्स हैं आप वीकडेज के ट्यूशन रखा सकते हो पूरी कोचिंग हो जाएगी लेकिन अगर आप वीकेंड बैच में आना चाहते हो भाई वर्किंग हो आप पूरे वीक नहीं आ सकते तो सैटरडे इवनिंग एंड संडे मॉर्निंग होता है ठीक है और अगर आप कहीं पे दूर रहते हो भाई अहमदाबाद गांधीनगर से दूर हो लेकिन यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ कोचिंग एंड इफ यू रियली वांट टू सक्सीड देन देर इज एन ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन बैचेस ऑनलाइन लाइव पढ़ाया जाता है ये वीकडेज में होता है लाइव पढ़ाया जाता है और जो टाइमिंग्स है वो बहुत कंफर्टेबल है आपको रात की टाइमिंग मिलते हैं साढ़े नौ से साढ़े ग्यारह पूरा आपका दिन का थकान दूर कर दीजिए काम ख़त्म पूरा आप रिलैक्सड हो और बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो ठीक है साढ़े नौ से साढ़े ग्यारह फाइन और राइट देन आई होप यू आर एन्जॉइंग दिस सो कीप वॉचिंग और डिफरेंट वीडियोज़ यू नो मैंने जैसे काफ़ी आई बटन्स दिए वो भी खत्म कर दीजिए फाइन और राइट देन Alright then, keep watching, keep learning and keep enjoying.